जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुनाता हूं गुरबचन सिंह सलारिया जी की। गुरबचन सिंह जी ने कोंगो में लड़ाई लड़ी थी और वहां पे उन्होंने जो शूरता वीरता दिखाई उसकी वजह से उनको परमवीर चक्र दिया गया था। अब आप सोचे होंगे कि कोंगो में क्या लड़ाई हो गई जहां भारतीय सेना को जाना पड़ा। तो चलिए मैं इनकी पूरी कहानी सुनाता हूं। 1935 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद जैसे जैसे इनकी पढ़ाई हुई वैसे वैसे ये पढ़ते चले गए। इनके पिताजी खुद फौज में हुआ करते थे तो इनको फौज की कहानियां सुनाई जाती थी। वीरता शूरता ये सब इनको विरासत में मिल गई थी क्योंकि इनके पिताजी खुद एक बहुत वीर व्यक्ति थे। तो इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, इनका खुद का मन हो गया कि मैं फौज में जाऊं। तो फाइनली इनका एनडीए में एडमिशन हो गया। एनडीए आप सब जानते हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी, और एनडीए से 1956 में पास आउट हुए। इसके बाद उन्होंने इंडियन डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया और एक साल वहां पर पढ़ाई करके 1957 में वहां पर स्नातक हुए। यहां से पढ़ने के बाद ये सीधे ऑफिसर रैंक में जाते हैं। कुछ ही वर्षों बाद कोंगो एक अफ्रीका में देश है, कोंगो में गृह युद्ध की स्थिति आ गई। तो कोंगो की सरकार ने यूएन को रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें आके कुछ मदद करें। यूएन के जब फोर्सेस जाते हैं उसमें अलग अलग देशों के फोर्सेस भी जाते हैं। उन देशों की फोर्सेज में उन्होंने भारतीय सेना को भी रिक्वेस्ट किया कि आप कोंगो में आइए और कोंगो में मदद, जो भी मदद होगी वो आपको आप प्लीज कीजिए। भारतीय सरकार ने इस बात को माना और उन्होंने अपनी एक टुकड़ी, बड़ी टुकड़ी थी, छोटी टुकड़ी नहीं थी, बड़ी टुकड़ी उन्होंने भेजी कोंगो में। उस टुकड़ी में एक व्यक्ति थे, गुरबचन सिंह सलारिया। तब तक गुरबचन सिंह सलारिया जी कैप्टन हो चुके थे, तो ये गोरखा राइफल्स को बिलोंग करते थे। कोंगो में पहुंचने के बाद इनको एक जगह का रास्ता साफ करने का काम दिया गया। रास्ता साफ करें तो फौजें आगे बढ़ें। विरोधियों ने संयुक्त राष्ट्र के दो व्यक्तियों को कैदी बना लिया था, उसमें इसी गोरखा राइफल के एक मेजर भी हुआ करते थे जिनको इन्होंने एक बंदी बनाया था। एक मेजर थे और एक व्यक्ति और थे, इनको बंदी बना लिया था। इनको छोड़ाना भी था और फौजों को आगे भी बढ़ाना था। तो दोस्तों एक एयरपोर्ट था वहां पे एलिजाबेथ विल, उसका रास्ता साफ करने की इनको जिम्मेदारी दी गई थी। रास्ता साफ करने का काम बहुत कठिन था। दुश्मनों को मतलब विरोधियों को पता चल गया कि ये रास्ता साफ करने की इनको जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने वहां पर गोले बरसाने आरंभ कर दिए। तो रास्ता साफ करने का काम और मुश्किल हो गया। इस स्थिति के अंदर गोरखा राइफल्स ने अपनी एक रणनीति बनाई। उन्होंने यह प्लान किया कि एक तरफ से कैप्टन गोविंद शर्मा अपने साथियों को लेकर अटैक करेंगे और दूसरी तरफ से कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया आयरिश टैंक के साथ हमला करेंगे। इस तरीके से उन्होंने ये सोचा था कि विरोधी ना तो भाग पाएंगे और ना खुद हमला कर पाएंगे, क्योंकि दो तरफ हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ना तो वो भाग पाएंगे और ना वो हमला कर पाएंगे, तो उनको पकड़ लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब दोनों टीमें रुकी हुई थी कि जैसे ही मौका लगेगा अटैक करेंगे। इतने में उन्होंने देखा कि सामने रास्ते में दो सशस्त्र गाड़ियां खड़ी हुई हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह जी को एक बहुत अच्छा मौका मिला, उन्होंने दोनों गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया। जैसे ही दोनों गाड़ियों को ध्वस्त किया विरोधियों में खलबली मच गई। खलबली मचने के बाद उनके ऊपर आक्रमण करना और उनको कब्जे में लेना आसान हो गया। दोनों तरफ से टुकड़ियां बढ़ी, साथी बढ़े सब।
इस बढ़ोतरी में कैप्टन सलारिया ने अकेले 100 में से 40 व्यक्तियों का सफाया कर दिया। 100 में से 40 व्यक्तियों का सफाया उन्होंने अकेले कर दिया। पर दुश्मन की तरफ से तो गोलाबारी जारी थी। उनकी एक गोली उनके आके लगी, उनके गर्दन पे आके लगी, काफी गहरा जख्म हो गया। जख्मी होने के बावजूद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी आगे बढ़ते चले गए। अल्टीमेटली उन्होंने विरोधियों के ऊपर कब्जा कर लिया, विरोधियों ने सब सरेंडर कर दिया। परंतु दोस्तों, कैप्टन गुरबचन सिंह जी वीरगति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध कौशल की वजह से कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया जी की। आशा है आपको अच्छी लगी होगी, आशा है आपके भी रोंगटे खड़े हुए होंगे। अगर हाँ, तो आप प्लीज अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से इसको साझा कीजिए। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक कहानियां मैं आपके पास लेकर आता हूं। लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।